सर्वगुण संपन्न हमें बनना है तो एक तो नाजुकपना, रूठना। रूठने का संस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कट्टी बट्टी करते थे ना, अभी तक वो कट्टी बट्टी चलती है। इसलिए बड़े होते हैं, एज में बड़े होते हैं, जो चीज में हम पुरुषार्थ नहीं करते उसमें बड़े होते ही नहीं है, वैसे के वैसे रहते हैं। दीदी, आवाज साफ नहीं आ रही है। तो आज बाबा ने आज विशेष कहा है कि बच्चे गंभीरता के गुण को धारण, गंभीरता, सीरियसनेस भी नहीं, लेकिन गंभीरता अर्थात मैच्योरिटी, मतलब सीरियस, उस तरह से सीरियस है, क्योंकि कभी कभी वही होता है, बहुत बोलने से इमैच्योरिटी का भी प्रतीक होता है। बाबा ने कहा एक तो रूठना और गंभीरता का गुण पे फोकस किया है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो, स्वयं का अभिमान नहीं और माताओं का रिगार्ड रखो। अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आशा क्या है और वह आशा पूरी कब कर सकेंगे? बाबा की आशा क्या है? उम्मीद, ऐसा पेरेंट, ऐसा टीचर और ऐसा सदगुरु। राज लायक बने, पूरा वारिस बने। बाप की आशा है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करे जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। और उसकी आशा कैसे पूर्ण कर सकेंगे? अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। पूरा ही फॉलो करने के बजाय अगर हमें ये भी संकल्प रखे कॉपी करना है, थोड़ा इजी हो जाता है कॉपी करना। अच्छा गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। आगे ओम शांति दीदी। जिस दिन से मिले हम तुम, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे रे नई रात लागे, नया दिन लागे रे नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। जिस दिन से मिले तुम हम, नई प्रीत लागे, नई प्रीत लागे, नया गीत लागे, नई नई लागे सरगम। जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे नई रात लागे रे। यूं चुपके से आकर के नजरों में समा जाना, यूं चुपके से आकर के नजरों में समा जाना, आज पहले पहल जाना, मेरे नैनों ने शर्माना, मेरे नैनों ने शर्माना। इन हाथों में अब हरदम तेरा हाथ रहे रे, तेरा साथ रहे रे। इन हाथों में अब हरदम तेरा हाथ रहे, तेरा साथ रहे, रहे प्यार भरा ये मौसम, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति जी। एक्यूरेट है पूरा ये सब। बाबा इसलिए कहते हैं ना, बाबा ने टचिंग दी थी इन सबको। बच्चे महसूस करते हैं नया रात लागे
नया दिन लागे। बच्चे बन गए तब से सबको अनुभव है, किसी का पुराना दिन तो नहीं लग रहा। तो बच्चों को भासना आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं, यह हमारी प्रीत नहीं लगती है। और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती नहीं, प्रीत भी नहीं लगे। नया रात नए दिन, प्यार देहधारियों से अभी तक किया और अब परमपिता से किया, बिंदु से प्यार किया, तो प्रीत भी तो नहीं है ना। ये हमारी प्रीत नहीं लगती है, और कोई की भी प्रीत परमपिता के साथ होती नहीं है, तो ये नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है, पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे, तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग में है, स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर, एक्चुअली बाबा जो कह रहे ना, वैश्यालय है नहीं, सब जगह उसी तरह की आत्माओं में भी भावना है, बॉडी कॉन्शियसनेस सब में भी, शरीर के प्रति पूरा झुकाव है, सब कुछ है। तो इनको वैश्यालय कहा जाता है। और वैश्यालय का एक और है, एक तो काम विकार शारीरिक भान, दूसरा वैश्या की स्पेशलिटी, हाँ मतलब उसकी दिल बहुतों के साथ होती है, ऐसे होते हैं ना वैश्या बोलते हैं ऐसे आत्माओं को। तो कितनी आत्माओं से आत्माओं की प्रीत हो रही है, तो इसलिए वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर, यहाँ विकारी मनुष्य है, सत्युग में निर्विकारी है, तो शिवालय कहेंगे ना। तो क्या शिव बाबा तो है नहीं, प्रीत एक शिव बाबा से तो रहेगा नहीं वहां। नहीं वो तो है, शिवालय है तो प्रीत तो ओनली शिवालय से, शिव बाबा से तो है ही नहीं फिर। और आत्माओं से मोह नहीं है फिर, शिव बाबा से तो प्यार की बात ही नहीं है और आत्माओं से मोह है नहीं, तो फिर वहां प्यार का प्रेम का आत्माओं से प्रेम, हर आत्मा से रूहानी प्यार। रूहानी का मीनिंग है आत्मा की स्पेशलिटी को समझते हुए, रिगार्ड ट्रस्ट रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये है रूहानी प्यार। फिजिकल प्यार क्या है वो हम सब जानते हैं, पर जहां ये सब इंग्रेडिएंट्स है वो है। तो निर्विकारी दुनिया, उसको शिवालय कहा जाता है। शिवा भाई ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र है, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वो तो हिंदुस्तान कह देते हैं, हिंदुस्तान हमारा प्यारा। हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारतखंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर ये नई बातें लगती है, ऐसी बातें कब नहीं सुनी, ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। एक्चुअली हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का स्थान थोड़ी है, इसलिए बाबा कहते हैं हिंदुस्तान अप्रोप्रिएट नहीं है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। कितना हमारा तो पॉकेट्स है, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में सारे क्रिश्चियन ही है, नॉर्थ ईस्ट में साउथ में क्रिश्चियन की मेजोरिटी है, फिर एक सेक्शन में सिख की मेजोरिटी है। तो हिंदुस्तान तो इसलिए बाबा कह रहे वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं। और रिलीजन मतलब हिंदुओं से निकले है ना, प्योरली वो देवी देवताओं का कंसेप्ट नहीं है ना हिंदुइज्म, उस तरह से कल्चर का है हिंदुइज्म का, नॉन वेज आदि खाते, हिंदुइज्म का कल्चर ही नहीं अगर एक्चुअली। वो तो कलयुग में तो पूछो मत, वो लास्ट तमो प्रधान, जो धर्मों की तमो प्रधान स्टेज है,
क्रिश्चियन की एक ही, भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है, क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सत्युग में तो कोई मंदिर ही नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवता है शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे, तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है, वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। न्यू दिल्ली कुछ नहीं है, न्यू मकान कुछ नहीं है, हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। इतनी पुरानी दुनिया में इतना सा सेक्शन अगर नया भी है तो क्या नया, दुनिया तो पुरानी है ना। तो हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है, आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, बेशक नाम बीके है, प्रीफिक्स है हमारा, परंतु याद शिव बाबा को करना है। अर्थात ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। अब देखो ब्रह्मा बाबा खुद कह सकते थे ऐसे, उसी के तन में आ रहे हैं, उसी से सब कुछ करा रहे हैं, उससे प्रीत नहीं है। ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं, तुमको देह से संबंध ही नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सचिदानंद, परंतु सत चित आनंद स्वरूप एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो, जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर शांति का सागर, तुम भी सचित आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर पांच युग है, अभी है संगम युग। इस संगम युग की दुनिया को दुनिया जानती नहीं है। कलयुग बोलते हैं एंड, कलयुग है घोर कलयुग है, संगम युग को जानते ही नहीं करके। एक्चुअली युगों की भी डेफिनेशन किस बेसिस पे है, मेजॉरिटी के संकल्पों से वो युग बनता है। वो युग ही न्यारा था तो कौन सा था, तो संकल्प वैसे फिर कर्म तो होंगे ही वैसे। तो संगम युग क्योंकि हमारे संकल्प श्रेष्ठ वाले है, एकदम हाईएस्ट संगम युग, तो इसलिए संगम युग को कोई जानते ही नहीं है। करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में ही नहीं जानते कि सत्युग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो। किससे ले रहे हम राज्य, पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े, सदैव स्वर्ग में तो कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी तुम अभी मिली है, अभी कलयुग है, फिर सत्युग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा, उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो, कोई की हो सकती है। हरेक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। फोकस लेट, तुम बच्चों को समझाया है, हरेक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है, तो तुम नई बातें सुनते हो। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। बाबा पूछते भी है, अच्छा तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे, तो कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। क्या कहा कल तीन डेफिनेशन थी ना,
तीन डिस्टिंक्शन बताए थे महाराजा और राजा, सोलह कला चौदह कला, ना पास वो राम, फुल पास सूर्यवंशी। तो बाबा कहते हैं कि तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे, एक ही आंसर है ना हमारा। बाबा कहते बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबर वार तो होते हैं ना, बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते हैं कोई बहुत थोड़ा कमाते हैं, पढ़ाई पर मदार रहता है ना, तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। अभी जिनके हर संकल्प में कमाई हो रही है, जो कल बाबा का वरदान था उम्मीदवार, हर संकल्प में उम्मीद, कोई भी संकल्प ना उम्मीदी का ना, स्वयं के लिए तो है ही नहीं एवं आत्माओं के लिए, तो वो संकल्प कमाई वाला है। तो ऐसी आत्मा जो अभी इतनी कमाई कर रही है, फिर वो इसका प्रारब्ध भोगेगी नहीं, तख्त पर बैठेगी। तो पढ़ाई पर मदार रहता है, ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है, उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे यह है बेहद की कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो ना, पूछ रहे बाबा नई बातें है ना, अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है, कितनी ताकत मिलती है, हम वॉरियर्स है ना, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, नई बात है ना। गीता में कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है ही नहीं, हर एक बात नहीं है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है, अल्फ से लेकर सब नई बातें है, अल्फ ए मतलब ईच एंड एवरी ए टू जेड हम बोलते हैं ना, तो हर चीज नई है। तो नई दुनिया का अल्फ है, नई दुनिया का अल्फ है आप, नई वर्ड है, नया मतलब मीनिंग है, नई दुनिया का अल्फ है ए लक्ष्मी नारायण स्टार्टिंग, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ, यहां मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है, तो पहले पहले है परम पिता परमात्मा अल्फ, उसका मतलब संगम युग में, पीछे फिर ब्रह्मा को अल्फ बनाते, कितने सारे अल्फ हो गए। संगम युग का अल्फ हो गया शिव बाबा, फिर ब्रह्मा को अल्फ, हाँ, और उसके बाद हो गया सत्युग का अल्फ हो गया बाबा, नई नई मेथड से समझाते, ब्रह्मा के थ्रू फिर नई सृष्टि स्थापन हुई ना, उस तरीके से ब्रह्मा अल्फ हो गया, पहले ये सुनता है बाबा हमेशा कहते। तो यहां मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है, पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ। देखो कितना ब्रह्मा शिव बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा उसी तन में बैठे सुन रहे हैं, कितना यूनिक, अर्थात वो आत्मा कंप्लीटली ओवरकम नहीं करी। जनरली कोई दूसरी आत्मा आती पहले वाले को कंप्लीटली, कहां किसी को, इवन अगर प्रेत आत्मा आ जाए या वो ओवरकम कर लेती है, हाँ कंप्लीटली। दादी का भी कॉन्शियसनेस मर्ज गया, ब्रह्मा बाबा फुली फुल, इसलिए बाबा कहते पहले ये सुनता है। तो पीछे ब्रह्मा को, तो पहले पहले परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहां तुम ब्राह्मण कुल के हो,
ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है, इसलिए बाबा सुनते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा फर्स्ट। तो बाबा को कितना क्लियर था कि ये बाबा ने बोला है उस दिन, उस समय एक बार बाबा ने नहीं बोल दिया, ये क्या छोटे से टुकड़े पर लड़ाई कर रहे हैं चाइना के लिए, बोल दिया और दे देना उसका टुकड़ा उसका। इंदिरा गांधी तक बात पहुंच गई, वहां के ऑफिशियल्स आए मधुबन में कि, और फिर बाबा से मिले। बाबा को तो क्लियर था ना, मैं तो सुन रहा था ना बोला किसने था। तो जब बच्चों को बोला तो बाबा ने क्या जवाब दिया पता है ना, बहुत बार स्टोरी सुनाई, अब सबको मुंह जबानी होनी चाहिए बाबा की हर स्टोरी। आप सबको सबसे ज्यादा, मुझे लगता है पूरे ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा तो स्टोरीज आपको ही पता है। हाँ उसको बोल दूंगा मैं उसको बोल दूंगा कि नहीं बोले बाबा को, कहा ना सीनियर ने कि बाबा ऐसे नहीं बोला करो, सुन रही है वो आत्मा, मैंने थोड़ी बोला। तो बाबा कहते हैं इसलिए तो पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, यहां तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। वो दूसरा ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम कभी नहीं सुना है, गीता में भी ये नाम नहीं है, तो नई बात है ना, भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं, अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं। अभी बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा ने कहा, अपना धर्म की पहचान ही नहीं है, कौन कोई कहता है हिंदू कहेंगे, देवी देवता धर्म कहते हैं, तो इसके कारण कह देते हैं। हाँ थोड़ा और उसके, क्योंकि अपने धर्म की पहचान नहीं है तो क्या कह देते हैं, सब धर्म एक है, अपवित्रता के कारण के। हाँ नहीं पर कहते क्या है, इसलिए कह देते सब धर्म एक है क्योंकि मेरा इतना यूनिक धर्म है, ये हमारे में, हमारे धर्म में ये बातें हैं, उनके धर्म में भी अच्छी बात ही है, धर्म सब अच्छे ही होते हैं, मतलब एक जनरल कर दिया ना, क्योंकि हमारा इक्वल प्रिंसिपल्स है आदि, तो कह दिया कि सब धर्म एक है, एक धर्म एक है, देवी देवता धर्म में प्योरिटी कितना मस्ट है, तो एक कैसे हुआ, ऐसे और कोई धर्म में है भी नहीं इतना। हाँ वो भी है कितना बड़ा, हाँ सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन का पॉइंट है। अच्छा ब्राह्मण तो भल वह भी है, हाँ भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है, सभी धर्मों को मान देते हैं यहाँ, है ना, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है, बाहर में देखो वो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं, बर्मा में कहाँ अलाउड है हिंदुइज्म का, कितना मुश्किल से सेंटर स्थापन हुआ था, अलाउ ही नहीं करते क्योंकि लगता था ये कोई धर्म, कई बार तो सेंटर बंद करना पड़ा। हाँ वो भी है, कई जगह है विदेशों में और कहाँ दुबई में भी अलाउड नहीं है, इसलिए वो राजयोगा सेंटर के नाम से, ब्रह्मा कुमारीज के नाम से वहां है ही नहीं, चाइना में भी नहीं है, तो यहाँ तो सब ओपन डोर है सबके लिए, सभी धर्मों को मान देते हैं, सिलोन बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं, भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, लेकिन वैसे कंट्रीज में कितनी ज्यादा सेवा हुई, श्रीलंका के बहुत 2000 उस समय की बात है, 10 साल पहले, ब्राह्मण बच्चे, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके, जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट होती है,
कहते भारत सभी धर्मों का ऐश्लम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सब नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यू तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाये हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? देखो ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण चोटी है, लेकिन ब्राह्मण देवता ये सब बनते हैं, सब वर्णों में जाते हैं। दुनिया में तो ये क्लियर भी नहीं है ना, ये तो मानते ही नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में ही आता रहेगा, लेकिन ब्राह्मण कुल नहीं है, ब्राह्मण कल्चर, जिसके कर्म ब्राह्मण जैसे है, कल्चर ब्राह्मण कल्चर है, वो है ब्राह्मण। उन लोग ने सोचा कि कुल है, चलो इस ब्लड से हुआ वो चला आता है। तो ब्राह्मण चोटी फिर देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य रमणी के, क्लियर हुआ सबको दीपिका बहन? तो ब्राह्मण फिर वही देवता बनेगा, फिर वही क्षत्रिय बनेगा, और इस तरह से होगा। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है? तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी अपॉइंट चेंज किया बाबा ने, ब्राह्मण इसे रूठना नहीं, रूट करके पहले तो रूठो नहीं। अच्छा, रूट करके फिर फर्स्ट स्टेप है रूटने का, पढ़ाई को ही नहीं छोड़ना। कोई रूठे तो नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण इसे, वैसे रूठने का संस्कार होता है, दूसरे के पर्सनैलिटी के कारण नहीं रूठते हैं ज्यादातर। एक तो देहाभिमान की निशानी, और दूसरा कोई बात मुझे क्लियर नहीं करनी है तो क्या करूं, अपने आप को खींच लो, बंद चले जाओ, विद्रॉ कर लो, फेस करो ना। या तो फेस करने की ताकत हो या क्लियर करने की ताकत। स्पष्टता का भी एक शक्ति होती है, गुण भी नहीं मैं कहूंगी। हाँ, पढ़ाई तो फिर भी करो, इसके ये सब बावजूद ऐसा है तो भी, तो रूट करके पढ़ाई को तो नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो बच्चे सुनना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वो पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। कौन सा? एक घड़ी आधी घड़ी याद, याद का नेम फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिवाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं है विचार सागर मंथन की, तुमको दरकार रहती है। क्यों? किसको कैसे समझाए? तो कभी भी बच्चे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? रूठना नहीं चाहिए। वही, कोई रूठे तो नहीं है, कोई सब मन मन में एकदम क्लैरिटी तो है, कोई संशय तो नहीं? ऑनलाइन सब क्लियर? हाँ, वेरी गुड। रूठे तो बता दो, क्लियर, और ही बल्कि हल्का हो जाएगा। रूठना मतलब भारीपन अंदर, और कितनी सारी बातें, वो जैसे गंदगी होती है ना, अगर गंदगी रखी हुई होती है, अगर उस समय क्लियर नहीं करते तो और भी कुछ बातें होती है ना, वो चिपकती जाती है। फिर बाद में कोई कुछ बातें होगी तो पहले वाली वो सब बातें फिर बाद में वो निकलती है। इतना दिन एक एक साल तक बैठ के रखा अपने मन में,
या तो रिजोल्व करो, खुद ही खुद से रिजोल्व करो. ज्ञान है, बेस्ट है, मुरली स्टैंडर्ड है हमारा. तो बाबा कहते हैं तो बच्चे कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए. कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं है. ब्राह्मणिया जो है वह फिर भी मुख्य है, 10-12 को आप समान बनाती तो है ना. इतने कोर्स करने आते हैं और आते हैं सेंटर पे, तो कितनों को देवता बनाती है. तो रिगार्ड तो रखना चाहिए, तो उनको रिगार्ड रखना पड़े. तुम जैसे कि क्या है, ब्राह्मणिया को बहुत अच्छा एक नाम दिया है बाबा ने. जो भी कोर्स कराते क्लास कराते वो सब हो सकते हैं. बोलो क्या नाम हो सकता है. तुम जैसे कि शिव बाबा की नया नाम. बोलो बोलो सुनीता बेन. सेना शिव बाबा की. कुछ नया बताना, मेरे को भी नहीं आया. तुम जैसे कि शिव बाबा की एजेंट्स है. एजेंसी है ना हमारी, एजेंट है उसका भेजा हुआ. तो सभी एजेंट्स एक जैसे तो होते नहीं है, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना भाई. हर ब्राह्मणी एक जैसे तो कैसे होगी, हर एक का संकल्प एक जैसा नहीं होगा, तो कर्म एक जैसा नहीं होगा, बुद्धि एक जैसे नहीं होगी. रात दिन सर्विस पर रहते हैं ना, शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना. चुकी तो करते ही करते सारा दिन याद करते रहते, भगत इतना थोड़ी याद करते होंगे. करते हैं भक्ति में इतना 8 आवर्स और इतनी हैमरिंग मिलती कहाँ थी कि याद करो याद करो याद करो, पीछे कोई पढ़ा ही नहीं होता. थोड़ा थोड़ा याद, कितने भी भक्ति करते जब कर्म में हम देखते इतना कोई याद नहीं, हम अपना ही देखते थे. यहाँ तो बाबा कहते, इसलिए बाबा को ज्यादा टाइम यहाँ भी स्पेंड करना पड़ता है. एक ही शिव बाबा और इधर, और दूसरा डबल काम. एक तो शिव बाबा बच्चों के लिए, दूसरा भक्तों के लिए. बाबा कह रहे ना शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर है ना, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं. नहीं सॉरी, ये तो नहीं, बाबा कहते मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ. तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन कराते है? कौन करते है? चाबी उसके पास है, वो करेगा ना. बल ड्रामा में ये बहुत बड़ी चाबी बाबा ने रखी है. ये तो चाबी एक बार जिसका भी हो जाए, कितने सारे काम उसके ऐसे हो जाएंगे. जिसको भी बाबा एक बार साक्षात्कार करा दे तो क्या हो जाएगा, वो तो फिदा हो जाएगा ना. कितना कुछ तो वो वैसे ही रेडी है. तो ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं ऑफर किया था, ट्रस्टी किसका था वो, ट्रस्टी बहुत बड़ा हॉस्पिटल का ट्रस्टी था, कि मुझे एक बार तुम साक्षात्कार करा दो. बस श्री कृष्ण का भगत था, तो ये सब जो कुछ है ना सब तुम्हारे लिए दे दो. तो बाबा कहते हैं तो कोई तो ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है. इसमें भल ड्रामा में सब पहले से ही नोंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है. अच्छा, समझते गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होते हैं. ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नोंद है, पर इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए. यह नई बातें, सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए. कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम. तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना,
सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी। नंबर वार, कोई का तो कंप्लेन है बाबा की, सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है तो क्या होता है? विष्णु जी खुद को सोचो, विष्णु जी वो सुदर्शन चक्र खड़ा है, इसलिए माया का गला नहीं कटता, इसलिए माया का गला नहीं कटता, गला भी कटेगा नहीं, चक्र चलता रहेगा तो तीखा भी रहेगा। कोई का सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है, कैसे फिराए पूरे दिन में, इतने रोल में बिजी होते हैं और पूरे दिन में चक्र फिराना का इतना स्पेशली टाइम कभी 500 रूपों का मिलेगा तो कर लेते, याद भी आ जाए तो फिर तो हम इसी लिस्ट में आ गए। आता है ना, फिरता है ना, फिरता है पूरे दिन में। देखो आज बाबा ने कहा है, थोड़ा इस पर हम भी फोकस करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे अपने आप को। सिंपल सीक्रेट है इसके पीछे, राज है ब्रॉडर विजन में देखना। जैसे हम अपने ही इस जीवन कहानी को देखते, अरे छोटे थे फिर ये हुआ, बड़े हुए फिर यूथ में, तो उस समय की सब बातें जो इमेच्योर थी तो आज हंसी आती है ना, इसी तरह अपने आप को ब्रॉडर विजन में देखना। बल्कि इसमें देखने से और ही मोटिवेटेड होते हैं, अच्छा मैं ही तो देवता थी। तो सुदर्शन था, कोई का तो सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है, कोई का बहुत कम फिरता है, और कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं है। विनोद भाई किस कैटेगरी में देखना है? किसी का तो उल्टा घूमता है, उल्टा ये भी ठीक है। उल्टा मतलब नेगेटिव बातें करना, परदर्शन, पुरानी बातें, राइट। तो ये नई बात हुई ना, स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? इससे भी स्वमान ऑटोमेटिक रहता है अगर स्वदर्शन चक्र याद रहे तो। तो ये नई बात हुई, बाप समझाते रहते, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना, ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं, प्रण करना चाहिए। स्टार्टिंग में कहा था प्रण करना चाहिए, स्टार्टिंग का था, हम पूरा फॉलो करेंगे, पूरा फॉलो करेंगे, फॉलो मदर फादर एस। एक्चुअली ये सब अपने अटेंशन की बात है, वैसे संकल्प तो हम सबका होता ही है, जितना फॉलो करेंगे उसमें ज्यादा हमारा ही फायदा है हर चीज में। बाबा के पूरा फॉलो करेंगे पूरा फायदा है, ऐसे भी नहीं कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते नहीं। बाप कहते मेरा शो निकालने से तुम नरसिंह नारायण बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, हाँ फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे, तिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। अच्छा गज को ग्रह ने हप किया, बोला ना गज को ग्रह ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्रह हप कर लेती है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्रह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं यह करता हूं। कल का था ना होमवर्क, कोई भी सफलता का अभिमान तो एक ही पुरुषार्थ कि बाबा ही कर रहा है, करते समय भी बाबा की फीलिंग, तो फिर बाद में कि तो बात ही नहीं।
इसलिए वो बाबा की 91 की अप्रैल की मुरली थी ना कर्मातीत में, बाबा ने उसमें बहुत अच्छी बात कही थी, निमित्त पने का भी अभिमान नहीं। पढ़ी वो मुरली अच्छी से, कर्मातीत की एक ही मुरली है, डीप मुरली, हाँ सुपर एडवांस में। तो मैं जितना हो सके, तो अभिमान भी नहीं आना चाहिए मैं यह करता हूं, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का रिगार्ड रखना है, सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। सुना, घर की भी हो सकती, माता द्वारा समाचार आना चाहिए, विशेष सेंटर की बात है। वैसे मतलब हर सेंटर पे एक्सेप्ट विदेश में, जहां कुछ कुछ जगह पर, भारत में कहीं भी कुमार को अलाउड नहीं। इवन गीता पाठशाला में युगल होंगे पर ये नहीं कुमार गीता पाठशाला चला। एक दो जगह ऐसा हुआ फिर बैन कर दिया उसको, बहुत रॉन्ग होने लगा, मिसलीडिंग करने लगा उसको कुमार। सर्टिफिकेट तो चलो वो तो फिर अपने लेवल पे चलाते रहते हैं, सर्टिफिकेट तो आगे के लिए बात है, तो बहुत रॉन्ग होने लगा। इधर दिल्ली की बात है, तो बाबा कहते हैं सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। एक्चुअली वही है, इसलिए कि थोड़ा मैपन आ जाता है बहनों का। ये है कि जो भी दिल्ली में जैसे हायरार्की है वो पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, बड़ों को, जो भी इमीडिएट सेंटर है, सेंटर में जो निमित है या फिर उस सेंटर के जो इमीडिएट सेंटर में जो है, फिर दिल्ली जोन का, तो उन सबका रिगार्ड रखना। कभी कभी कुमार नहीं करते, डायरेक्ट मधुवन से कनेक्ट कर लेता, ऐसे भी हुआ था। तो बाबा कहते सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। राय दे सकते हो आप, समझदार हो, होशियार हो, दुनिया में जाते हो, जॉब करते हो आती है, पर हुक्म सरकार का, राज्य रानी का, राज्य तो रानी का चलेगा, निमित्त का ही चलेगा, पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा है ही नहीं, माता को आगे करना है, लॉ ऐसे कहता है। आज इतना ब्रह्मा कुमारी क्यों इतने समय से चल पाया है, क्योंकि बहने चला रही है, भाई होते तो हाँ अभी तक एक सेंटर भी बढ़ता नहीं था। हाँ, सेंटर यहाँ के यहीं रह जाते। भाइयों में देह अभिमान ज्यादा होता है, देह अभिमान आ जाता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मीटिंग में कुछ हुई बात, मतलब हॉलीवुड स्टूडियो का कुछ, तो हमने देखा वहां का वहां भी सब वो हॉलीवुड स्टूडियो के जो मेन है और मृत्युंजय भाई का वहां भी थोड़ा बहुत कुछ बात में हो गया, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बाबा इसलिए कहते ना, निमित्त माताओं को रखो, आगे रखो, माताओं को आगे रखना है। भलखा पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूं, मैं होशियार हूं। होशियार माताओं को बनाना है, जो देवियों को पूजा किसकी होती है, देवियों की पूजा होती है, स्पेशल नवरात्र देवियों का होता है। तो हाँ, माता द्वारा होशियार माताओं को बनाना है, माताओं द्वारा सेंटर आदि चलाना है, अंत में सन्यासी आदियों को भी माताओं के ही बाण लगने हैं। बहनों के कारण वो सन्यासी भी आ रहे हैं, भाई आते हैं। इवन लौकिक में भी अगर कोई बहने ऑफिसेज में जाए, नॉर्मल बहने भी,
तो भी वो फिर भी वो थोड़ा शर्मा मरते कुछ एग्री कर लेगा ये, अगर बीके बहने जाए तो काम तो हो ही जाते, कितने सारे काम हो ही जाते। तो बाबा कहते हैं अंत में सन्यासी आदि को भी बाण माताओं के बाण लगने हैं, तो बच्चे कायदे सिर चढ़ा कितना कितना कायदा बाबा बताते हैं कि बच्चे कायदे सिर चलना है। अच्छा परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। अच्छा कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, क्रोध बहुत नुकसान करता है। अच्छा कोई कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, क्रोध भी तो सारे प्रॉब्लम कितने सारे तो क्रोध के कारण है, तो काम से क्यों नहीं तीखा रखे, क्या करना चाहिए, आगे नंबर क्रोध को दे दे, क्योंकि ज्ञानियों में भी क्रोध जाता नहीं, काम भी कर तो फिर भी चला जाता है, क्या करे फिर, आगे कर दे क्रोध को। परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है, काला या कलंकित और या कैरेक्टर, ये सब काम विकार से कनेक्टेड, क्रोध से कैरेक्टर से कनेक्टेड नहीं है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते, तो तुम नई बात सुनते हो, पूछते हो, भगवान बैठ तुमको पढ़ाते, उनको सृष्टि कहा जाता है, फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राम श्री सीता को कहते हैं। अच्छा उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया, श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा प्यार, मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रूट कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, रूट कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। दूसरा है क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, एक कान से सुन, मतलब कभी कभी सुनते सुनते भी क्रोध आ जाता है ना, अपने मन लायक नहीं होती या बार बार बोलने के बाद भी वही बात कोई दोहराता है या वही करता है, तो सुनते सुनते तब क्या करें, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना, यही यहाँ है न्यारा बनने की कला, कितना हम अनइन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। ठीक है आपने कह दिया मत रिपीट करो, लेकिन नहीं रिपीट करने वाला रिपीट करता है, उस समय कितना न्यारा बन जाते है। एक होता है इरिटेट हो रहे चुप तो बैठे है, वो भी न्यारा तरीका, न्यारा वाला फिजिकल न्यारापन है, वरदान है। न्यारा बन जाओ, अब अपने आप को समेट लो, अब मेरा मतलब मुझे मुझे नहीं सुनना है ना, तो मेरे मन को दूसरी तरफ लगा दो, उस बजाय कि बार बार उसको उस बात को अंदर रिपीट करके इरिटेट हो। अच्छा बुद्धि द्वारा
शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले, सदा स्वच्छ होली हंस भव। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले, सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी है वह कभी भी नीचे की बात स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो होली हंस, अच्छा कोई सुनाता है उधर उधर की बातें तब क्या करें? हाँ, मतलब जो मेरे काम की नहीं है, जहां मुझे कुछ वर्क करना है, अथॉरिटी है, तब तो हमें एक्शन लेना है, वो अलग बात है। अच्छा, स्लोगन है पर कल वाला, अगर अथॉरिटी है तो भी ये नहीं कि ये तो परिवर्तन होने वाला नहीं है ना, उम्मीदवार फिर भी नहीं हो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। व्यक्ति सारे अच्छे है ना। निर्माण चित आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएगी। उनके चेहरे पर कभी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए निमित्त बनो, कोमल नहीं। कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसे नहीं पानी डालो और वह जाए व मुरझा जाए, बह जाए और मुरझा जाए। कोमल, थोड़ा सा कुछ हुआ, डेलिकेट स्वभाव वाला, बस बहुत हर्ट हो गए एकदम, और फिर वो हर्ट में सारा निकलता है। और इसलिए भी वो कोमल बनता है, रीजन जो बहुत इकट्ठा करेगा ना अंदर, वो कोमल बनता जाएगा, नाजुक। हाथ लगाओ, फिर वो परिस्थिति रूपी हाथ लगते ही वो पूरा निकल जाएगा। कोमल बनो, कोमल नहीं बनो। कन्याओं को जब भी बाबा मिलते थे हमेशा कहते कमाल करने वाली बनो, कोमल नहीं बनो। नहीं तो बहनों की नेचर होती है ना बड़ा डेलिकेट स्वभाव, नाजुक नेचर, शक्तिशाली। मतलब जैसे पानी का फल लो, मतलब पानी डालो और बह जाए, जैसे इस तरह से बहुत उसके स्वेड अवे हो जाए परिस्थिति से। हाँ, पानी का फल बाबा ने कहा ना, कोमल उसे कहते जो पानी का फल हो। ऐसे नहीं पानी डालो और बह जाए, मतलब ये भाव ये है कि बहुत इजीली स्वेड अवे हो जाए ये भाव। ओम शांति। तो अभी हम दीदी से आज का होमवर्क सुनेंगे और आज